गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई एम सुरेंद्र यादव, आई बिलोंग फ्रॉम एसयूएम पब्लिक स्कूल उत्रीजपुर समूहगंज जौनपुर। टुडे आई शैल टीच यू आवर पास्ट क्लास 6 चैप्टर 5 की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन दिस चैप्टर टुडे आई शैल टीच यू वन ब्लैक टाउनशिप वाज द साउथ वेस्टर्न वन बैक टाउनशिप वाज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप स्वाटो। दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में एक शहर था साक्टो सोवोटो। हेक्टर पीटरसन यहां रहता था। And his classmate joined the protest against learning the African language in school. यहाँ देखेंगे हेक्टर पीटरसन lived here and He and his classmate, वह और उसके क्लास फेलो ज्वाइन द प्रोटेस्ट एग्नेस्ट, वे जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे, हेक्टर पीटरसन वही रहता था, वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकान भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थी पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था। यहाँ देखें एग्नेस्ट द लर्निंग द अफ्रीकान लैंग्वेज इन द स्कूल। दिस वॉज द लैंग्वेज दैट द पीपल इन डूइंग सो इट इज द एस्यूम्ड दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। यहां देखेंगे इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था। जबकि वे अपनी भाषा सीखना चाहते थे, हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकान सीखने का विरोध कर रहा था। यहां देखेंगे द हेक्टर पीटरसन लैंग्वेज दैट द वाइट स्पोक। तो This was the language that the white spoke. Hector and other school students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language. यहाँ देखेंगे कि जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे, हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकान सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा। यहां देखेंगे दे लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू, वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। द साउथ अफ्रीका पुलिस बीट ऑफ द प्रोटेस्टर mercilessly and the shot at the crowd. जो दक्षिण अफ्रीका की पुलिस थी, पुलिस बीट ऑफ द प्रोटेस्टर mercilessly। यहां पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। एट द क्राउड शॉट एट द क्राउड यानी भीड़ पर गोलियां बरसाई। वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर। वन ऑफ देम भीड़ पर गोलियां बरसाई, उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। बुलेट किल्ड हेक्टर, एक गोली जो है हेक्टर को लगी। दिस वॉज ऑन 16 June 1976। दिस एक्सीडेंटल डे इज
was on the 16 June 1976. यह दिन जो था 16 जून 1976 था। यह घटना 1976 को हुई थी। The African National Congress, a group of people who led the struggle against the apartheid and their most well-known leader Nelson Mandela fought the apartheid system for the several years. Finally, they succeeded and in 1994 South Africa became a democratic country in which people of all races were the considered equal. अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेशनल मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। फॉर द अपार्थेड सिस्टम फॉर द सेवरल ईयर लंबे समय तक फाइनली अंततः दे सक्सेस अंत में 1994 में उन्हें सफलता मिली और इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेस वी आर द कंसीडर इक्वल। दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। व्हाट वेयर हेक्टर पीटरसन क्या था एंड हिज क्लासमेट प्रोटेस्टिंग अबाउट लिस्ट फाइव वेज इन विच द नॉन वाइट्स वेयर द डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।